हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और आज हमारे पास है JPT का RS3+ हाई प्रेशर कार वॉशर। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके जो परफॉर्मेंस है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से इसको, वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सॉलिड पैकिंग हुई है, तो डैमेज होने का कोई चांस नहीं है रास्ते में। चलिए अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, पहली बार ऐसी पैकिंग देख रहा हूँ मैं किसी कंपनी की। ये बिल है, अमेजोन से परचेस किया है मैंने, 7900 का पड़ा है मुझे। सो करते हैं साइड। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इसको साइड कर देते हैं। दोस्तों ये है JPT की तरफ से RS3+ 2400 वाट का, ये वाटरप्रूफ भी है, IPX5 पे बना हुआ है, तो हल्का फुल्के वाटर को भी झेल सकता है ये। तो चलिए अब इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके अंदर के एसेसरीज़ को और प्रेशर वॉशर को निकालते हैं। इसके कई वेरिएंट आते हैं, जैसे कि एक में आपको 15 मीटर का हॉस पाइप मिलता है, एक में फोम कैनन मिलता है आपको, तो अलग अलग टाइप का है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये रही इसकी गन, जैसे कि नॉर्मली सब में आता है, स्टार क्यू में, JPT में वैसा ही गन है ये। ये मैंने अलग से फोम कैनन परचेस किया है अमेजोन बेसिक का, 1000 का। अगर आप भी ये परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें बॉटल का नेक जो है वो भी ब्रास का दिया हुआ है, तो कटने का चांस नहीं रहता है। चलिए, ये है इसका रॉड, छोटा सा रॉड दिया हुआ है इसके साथ एक्सटेंशन। ये शैम्पू डिस्पेंसर है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फोमिंग नहीं रहता है। इसको करते हैं साइड में। ये है प्रेशर वॉशर की हॉस पाइप, ये गन होल्डर दिया हुआ है इसके साथ, और ये है वाटर टैप में लगाने के लिए, इसको टाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है। और ये आपका फिल्टर दिया हुआ है सेल्फ प्रिमिंग के लिए, ये है सेल्फ प्रिमिंग पाइप लगभग 1.5 मीटर का। उसके साथ ये अडाप्टर दिया हुआ है क्विक कनेक्ट। चलिए अब प्रेशर वॉशर को निकालते हैं, बॉक्स को कर देता हूँ मैं साइड में। पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, ये रहा अपना प्रेशर वॉशर। इसका जो प्लास्टिक बॉडी है काफ़ी सॉलिड है और वाटरप्रूफ भी लग रहा है ये। इसके फैन साइड में भी देखिए आप, थोड़ा भी गैप नहीं है, और स्विचेस भी जो हैं इसके काफ़ी अलग बनाए गए हैं। चलिए अब मैं आपको इसको जल्दी से असेंबल करता हूँ और आपको इसको चला के दिखाता हूँ। बेसिकली गॉचिंग ब्रांड जो है वो प्रेशर वॉशर काफ़ी अच्छे बनाते हैं। मेरे पास स्टारक्यूब W3 ओल्ड प्रेशर वॉशर है, वो अभी भी चल रहा है और काफ़ी बढ़िया प्रेशर है उसका। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, शैम्पू डिस्पेंसर मिल जाता है आपको, ये फ़िल्टर मिल जाता है, एक रॉड मिल जाती है आपको छोटी सी, ये आपका इनलेट पाइप के लिए मिल जाता है, ये इसकी गन है, और ये इसका हॉस पाइप है लगभग 7 मीटर का। ये सेल्फ प्रीमिंग के लिए पाइप दिया हुआ है इन्होंने। और करते हैं बात इस प्रेशर वॉशर की, RS3+ 2400 वाट, इसमें ये प्रेशर गेज दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए फ़ैन के साइड में आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको जल्दी से यूज़ करके आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों वाटर का जो एडाप्टर है उसको अच्छे से लग फिट कर दें, दोनों के बीच कोई गैप ना हो फिल्टर के बीच। और ये एक थ्रेड मैंने हॉस पाइप का उसमें लगा दिया है मशीन में, दूसरा थ्रेड गन में लगा दिया है और बोर्ड में प्लग भी लगा दिया है। प्रेशर वॉशर को चालू करने से पहले आप एयर रिलीज़ कर लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। चलिए अब मैं आपको वॉश करके दिखाता हूँ गाड़ी को। गाड़ी तो फ़िलहाल साफ़ ही है, बट मुझे डेमो दिखाना था तो मैं इस पर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मशीन डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, तो कमर्शियल यूज़ करने के लिए आप इसे परचेज़ ना करें। और आप प्रेशर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, होम यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा ये मशीन, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है, सॉलिड क्वालिटी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी भी है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये प्रेशर जनरेट कर रहा है। दोस्तों इस कार वॉशर के फीचर्स की बात करें तो ऑटो स्टॉप मिल जाता है आपको, आप गन जब ट्रिगर प्रेस करेंगे तभी ये चालू होगा वरना स्टॉप हो जाएगा। और इंडक्शन मोटर है तो साइलेंट भी है काफ़ी हद तक, और प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है यूनिवर्सल मोटर के मुकाबले, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं होम यूज़ के लिए, और आप इससे फोम वॉश भी कर सकते हैं। दोस्तों इस रेंज में काफ़ी बढ़िया मुझे लगा ये प्रेशर वॉशर, 7900 में आपको इससे बढ़िया प्रेशर वॉशर नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, प्रेशर भी इसका काफ़ी तगड़ा लगा मुझे। तो अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको फोम वॉश करना है तो आप कॉम्बो ऑफ़र लीजिए, वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, उसके साथ आपको क्विक अडाप्टर भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ मैंने अलग से परचेस की है। अब चलिए फोम वॉश करके आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सॉलिड है एकदम स्नो फोम। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सॉलिड फोम जनरेट होके आ रहा है, प्रेशर काफ़ी अच्छा है इस वजह से फोम भी काफ़ी बढ़िया बन रहा है। और ये वेवेक्स कंपनी का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप फोम की कितनी अच्छी है। तो अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं ये शैम्पू या फोम डिस्पेंसर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो इस प्रेशर वॉशर से आप फोम वॉश तो कर ही सकते हैं, प्लस आप घर के फ्लोर को भी क्लीन कर सकते हैं, एसी क्लीन कर सकते हैं, वाटर टैंक क्लीन कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ में आप प्रेशर वॉशर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फोम कितना बढ़िया बना था। अब मैं चलिए इसको जल्दी से वॉश करता हूँ, फिर आपको गाड़ी का लुक दिखाता हूँ। दोस्तों इस प्रेशर वॉशर के साथ कई सारे कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं, तो उसको चेक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कमर्शियल प्रेशर वॉशर परचेस करना है तो बटाली कंपनी का प्रेशर वॉशर काफ़ी अच्छा है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिव्यू किया है, तो आप जाकर उसे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल एकदम चकाचक हो गई है, नीट एंड क्लीन। तो इस रेंज में प्रेशर वॉशर काफ़ी बढ़िया है, आप इसे परचेस कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और वाटरप्रूफ भी है, हल्का फुल्का पानी भी झेल सकता है ये। दोस्तों ये देखिए इसमें गन होल्डर भी दिया हुआ है, आप आराम से इसको गन को यहाँ पे रख सकते हैं और वायर को इसमें यहाँ पे रख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।